नमस्कार, खबर उज्जैन से है। विक्रम विश्वविद्यालय में संदिग्ध दस्तावेज के माध्यम से वित्तीय लाभ लेने का प्रयास करने वाले एक शिक्षक के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर छात्र संगठन ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षक को वापस सेवा में लाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। शुक्रवार को डॉक्टर अंबेडकर छात्र संगठन के अध्यक्ष राम सोलंकी के साथ पदाधिकारियों व छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपा है। सोलंकी ने बताया कि विक्रम विश्वविद्यालय में वर्ष 2007 में नियुक्त हुए शिक्षक पवनेन्द्र नाथ तिवारी को सेवा से मुक्त कर दिया गया था। इस शिक्षक की पीएचडी थीसिस भी नकल आधारित पाई गई। यह जांच विश्वविद्यालय द्वारा की जा चुकी है। इसके बाद भी गलत तथ्य और दस्तावेजों के आधार पर अवैधानिक प्रक्रिया कर पवनेन्द्र नाथ तिवारी को सेवा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। कुलपति को दिए गए ज्ञापन में बताया कि शिक्षक तिवारी ने गलत तरीके से अवैधानिक नियुक्ति पत्र हासिल करने के बाद न्यायालय इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दायर कर गलत तथ्य और दस्तावेजों का प्रयोग किया। तिवारी ने विश्वविद्यालय में 2 आवेदन दिए जिसमें वेतन आहरण और लाभ के नाम पर प्रदान किए गए, जबकि न्यायालय में जाकर स्थायीकरण के पूर्व न्यायालयीन प्रकरण का लाभ मांगा। एक दस्तावेज के अनुसार वह वर्ष 2007 से स्थायी रूप से निरंतर सेवा में है। यह पूरी तरह कूटरचित दस्तावेज है जो विभागाध्यक्ष के एन सिंह द्वारा जारी करना बताया गया। वर्तमान में उसकी नियुक्ति का आवेदन कार्य परिषद द्वारा पारित भी नहीं किया गया। संबंधित प्रकरण के समस्त दस्तावेज और तथ्यों की गहराई से जांच की जाए। हालांकि मामले में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि इस प्रकरण पर कार्य परिषद ने असहमत दी है, तो मामला जैसे ही खत्म हो गया, इसके बाद मामला कोर्ट में गया है, तो कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। दिया गया इस शिक्षक की पीएचडी थीसिस भी नकल आधारित पाई गई। यह जांच विश्वविद्यालय द्वारा की जा चुकी है। इसके बाद भी गलत तथ्य और दस्तावेजों के आधार पर असंवैधानिक प्रक्रिया कर पवनेन्द्र तिवारी को सेवा में लाने का प्रयास राजनीतिक दबाव में किया जा रहा है। गवर्नर वगैरह कोई मान्य नहीं रखते फिर सर? आप लेटर पढ़े हैं? सर पढ़ा हूँ, तभी तो आपके पास। तो पढ़े हो तो आप लोग यदि जानकार हैं तो वो फाइनल नहीं होता है, वो उस लेटर की कोई वैल्यू नहीं रहती है जब तक कि उस पर मुहर लगती है। आप कोर्ट में लड़ रहे हैं, आप खुद भी स्वयं वकील हैं और वकील हैं, आपको नॉलेज है कि कोर्ट के ऊपर कुलपति थोड़े हैं।